अस्सलामु अलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड फेस लिफ्ट। लिक्विड फेस लिफ्ट क्या होता है? फेस लिफ्टिंग तो अगर हम बोलें तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि हमने स्किन को लिफ्ट अप करना है। जब हम लिक्विड फेस लिफ्ट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कोई ऐसी चीज़ होगी या ऐसा इंजेक्टेबल होगा जिसके थ्रू हम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विड या फिर लिक्विड की फॉर्म में आपकी स्किन में उसको इंजेक्ट करेंगे और जिन जिन एरियाज को हम करेक्ट करना चाहते हैं उनकी करेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं या कौन से एरियाज पे यूज़ करते हैं? जैसे कि आपको पता है कि एज के साथ साथ जो है वो हमारी लाइंस या नेजोलेबियल फोल्ड्स जो हैं वो ज़्यादा डीपन हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है फिलर इंजेक्शन जिसके थ्रू हम इन लाइंस को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से आइज़ के साइड्स पे जिसको क्रोज फीट बोलते हैं, अगर वहाँ पे लाइंस हैं तो उन लाइंस को फिलअप किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि चीक बोन या चीक्स को जो है वो हम फिल करें, ऑगमेंट करें और उनको हाइट दें, तो तब भी हम ऑगमेंटेशन के लिए इसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ब्रिज ऑफ नोज़ की करेक्शन करनी है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जॉ लाइन बनानी है तो भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से चिन जो है, अगर हम चाहते हैं कि चिन जो है वो अब पहले जैसी अपनी जगह पे नहीं रही है और यहाँ पे सैग भी है और हम अपना प्रोफाइल यानी कि साइड पोज जो है उसमें जब देखते हैं तो चिन हमें डिप्रेस्ड लगती है, उसको ऑगमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से आईब्रोज को लिफ्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि एज के साथ आपके लिप्स जो हैं वो इन्वर्टेड होते जा रहे हैं और वो बहुत पतले लगना शुरू हो गए हैं तो भी आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एरियाज और बहुत सारी साइट्स हैं जिनको फिक्स किया जा सकता है थ्रू एन इंजेक्शन जिसको हम फिलर इंजेक्शन कहते हैं। डिफरेंट तरह के होते हैं फिलर इंजेक्शन, लेकिन ज़्यादातर जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेफरेबली दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन। और ये फिलर इंजेक्शन जो होते हैं ये टोटली सेफ होते हैं क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो किसी फॉरेन पार्टिकल की तरह जो है वो रिएक्ट नहीं करता हमारी स्किन में जाके। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेटाबोलाइज होता रहता है और एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद खुद ही से ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके ख़त्म होने के बावजूद उस जगह के ऊपर कॉलेजन इलास्टिन बनती रहती है। यहाँ तक कि अगर फेस के ऊपर जो है वो पोस्ट एक्नी स्कार्स हों तो उनको फिलअप करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इतने मज़े की चीज़ है एक इंजेक्शन और फिर इतनी ढेर सारी करेक्शन, और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज में किसी भी एरिया को करेक्ट करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हैंड्स जो हैं वो एज के साथ टाइम के साथ जो है वो आपको पहले जैसे नहीं लगते और अच्छे नहीं लगते हैं और वहाँ पे भी आपको रिंकल्स नज़र आते हैं या फिर आप उसको देखते हैं कि हॉलो बहुत ज़्यादा हो गए हैं हैंड्स और जो आपकी बोन्स हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने ढेर सारे एप्लीकेशंस और सिर्फ एक इंजेक्शन। तो आप देख लें कि जो लिक्विड फेस लिफ्ट है उसके थ्रू हम किस तरह से फेस की करेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम किस तरह से अपनी स्किन को जो है वो एज होने के बावजूद जो है या एजिंग का प्रोसेस चलने के बावजूद जो है एजिंग को डिले रख सकते हैं। और ये बिल्कुल सेफ होता है, मेल फीमेल कोई भी करा सकता है। पोस्ट एक्नी स्कार्स तो आपको पता है कि यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है, तो कोई भी इसको ऑप्ट कर सकता है। देयर इज नो सेफ्टी हैजर्ड। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इसके लिए फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।